भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। ठीक है, होप सो आई एम विजिबल टू एवरीवन। जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से एक बारी शेयर करिएगा सेशन को। ठीक है, जल्दी से एक बारी शेयर करिएगा सेशन को। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट, एक बारी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, दिमाग करेगा एक बारी शेयर कर दीजिएगा, सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, बेहतरीन 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, बेहतरीन 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। भाई राजा बाबू नहीं बनाऊँ, बस थोड़ा सा कोशिश किया कि अपने आप को थोड़ा सा हल्का कर लें, बस उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी आप सभी जानते हैं ये जो मेरी फ्री लाइव क्लासेस है, इन सब क्लासेस की टाइमिंग क्या है। ठीक है, इन सब क्लासेस की टाइमिंग क्या है बता चुका हूँ बहुत बारी। ठीक है, तो इन क्लासेस में ज़रूर जुड़िए, जितने बच्चे देख रहे हैं इन क्लासेस में बहुत जुड़े। रात को 10:30 बजे कल क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज अपन लोग क्लास करेंगे। ठीक है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, आज अब अपन लोग करने वाले हैं। आप मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लें, क्योंकि इससे आपको मेरी सारी क्लासेस मिलेगी, सुबह 10:30 बजे वाला करंट अफेयर है, ये सब क्लासेस। और मेरे पेड कोर्सेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, बता चुका हूँ मैं आपको 30 अगस्त से। ठीक है, दिमाग रखिएगा, 30 अगस्त से मेरे पेड कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, इनके ऊपर भी, ठीक है, दिमाग रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा 30 अगस्त के पेड कोर्स। कैसे कर रहे हैं ज्वाइन? आपको गोल सिलेक्ट करना है एसएससी या डिफेंस का। ठीक है, दिमाग रखिए, एसएससी या डिफेंस का, ठीक है, दिमाग रखिएगा। दूसरा, जब आप गोल सिलेक्ट कर लोगे, इस गोल को सिलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिएगा। किस पे? गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, दिमाग रखिएगा, मन सिलेक्ट करके रेफर कोड लाइव अमन यूज करिए और पेमेंट करिए प्रोसीड। ठीक है, दिमाग रखिएगा, तो अपना आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्लास है इंपॉर्टेंट, 100 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, बेहतरीन 100 क्वेश्चन होंगे। शेयर कर देना एक बार इस सेशन को, जिससे कि सारे के सारे क्लास को देख सके। लीजिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? नेम द साइंटिस्ट हू स्टार्टेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी। जल्दी से बताइएगा, किसने जो है ये बताया था कि भैया कि मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या। अच्छे क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। ठीक है, आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया था, कमेंट करिएगा, कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया था कि मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या इसका, ठीक है, आंसर क्या इसका, दिमाग पर रखिएगा। बॉयल्स बता रहे हैं सारे के सारे आंसर, और आंसर क्या है, ठीक है, दिमाग पर रखिए, आइंस्टीन। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, मैटर से रिलेटेड चीजें। ठीक है, मैटर के ऊपर जो आइंस्टाइन है उन्होंने अपना फॉर्मूला भी दिया था। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। रॉयल वाटर किसका मिक्सचर है, कमेंट करेगा, रॉयल वाटर किसका मिक्सचर है, कमेंट करेगा, रॉयल वाटर किसका मिक्सचर है, कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएं। शेयर करो सेशन को सारे के सारे जल्दी से, और जल्दी से बताओ रॉयल वाटर किसका मिक्सचर है। ठीक है, बताएं इसका आंसर क्या है, रॉयल वाटर किसका मिक्सचर है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है रॉयल वाटर किसके लिए यूज होता है, गोल्ड जैसे प्रीमियम जो मेटल्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं रॉयल मेटल को। ठीक है, रॉयल वाटर को। सवाल अब ये पूछा जा रहा है किसका मिक्सचर है, तो दिमाग में रखिएगा, ये आंसर है HCl और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3 और HCl। ठीक है, दिमाग रखिएगा, इन तीनों का मिक्सचर है। ठीक है, दिमाग रखिए, इन दोनों का मिक्सचर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है ऑक्सिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन। ठीक है, कह सकते हैं ऑक्सिन आर प्रोड्यूस एट द रीजन ऑफ एलोंगेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या है, ठीक है, दिमाग रखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दिमाग रखिए, यही सेकंड स्टेटमेंट ही गलत निकली, तो मैंने इधर ही आपसे पूछ लिया। ठीक है, दिमाग रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दिमाग रखिए, 20 का आंसर है ऑक्सिन्स आर प्रोड्यूस एट द एलोंगेशन लोकेशन, ये गलत है भैया, दिमाग पर रखिएगा, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। ऑक्सिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है, बिल्कुल सही। ठीक है, इंडो इलेक्ट्रिक एसिड प्रिंसिपल है इसका। ठीक है, ऑक्सिन आर इंपॉर्टेंट फॉर लीव्स। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शेयर कर रहे हैं सेशन को, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा। विच प्लांट, ठीक है, जॉर्ज मेंडल जो है, ठीक है, आपको पता है जॉर्ज मेंडल कौन है, उन्होंने कौन से प्लांट को यूज किया था क्रॉस ब्रीड कराने के लिए, जल्दी से बताइएगा, क्रॉस ब्रीड कराने के लिए कौन से प्लांट को यूज किया था, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, क्रॉस ब्रीड के लिए कौन से प्लांट को यूज किया था, कमेंट करेगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या है बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ज्यादातर बच्चे पी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, इन्होंने पी को ही मटर के पौधे को यूज किया था, इसी का ही, ठीक है, जेनेटिक
पोस्टमार्टम किया गया था, पोस्टमार्टम ही बोल सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें से कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, कमेंट करिएगा कौन सा इसमें से कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या इसका, कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। ठीक है, कंपोजिशन इज वेरिएबल लिखा है पहला स्टेटमेंट, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ऑल पार्टिकुलर कंपाउंड आर ऑफ ओनली वन टाइप। ठीक है, चलो इसी से समझ आ रहा है पहला स्टेटमेंट गलत है, कंपोजिशन इज वेरिएबल, तो भैया ये तो गलत है। ठीक है, दिमाग रखिएगा, H2O में हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन वन है, तो भैया ये कंपोजिशन चेंज नहीं होता। ठीक है, दिमाग रखिएगा, ये कंपोजिशन चेंज नहीं होता। एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बच्चा कह रहा है, सर आज आप यंग दिख रहे हो। भाई मैं पहले क्या बूढ़ा दिखता था पाथिक। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑफ प्लांट क्लोरोफिल ऑफ द लीव गेट डिस्ट्रॉयड, जल्दी से बताइए कौन सी ऐसी डिसीज है जिसमें प्लांट का जो क्लोरोफिल होता है, एग्जैक्टली क्लोरोफिल ही लाइफ होती है प्लांट की आपसे बोला जाए तो। ठीक है, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो पत्तियां होती है ना वो सिकुड़ जाती हैं उसकी वजह से, बताइए कौन सी में, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा कौन सी डिसीज में ऐसा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल लीव का खत्म और पत्तियां सिकुड़ जाती है, आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, दिमाग रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, म्यूजिक डिसीज ऑफ टोबैको जो है इसमें ये चीज होती है। ठीक है, दिमाग रखिए, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई, ऑप्टिकल फाइबर का क्या पर्पस है, जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर का क्या पर्पस है, कमेंट करिएगा ऑप्टिकल फाइबर का क्या पर्पस है। ठीक है, शेयर करिएगा सेशन को सारे के सारे, आंसर क्या है। देखो इसमें ना ऑप्टिकल फाइबर का कुछ ऐसा नहीं दे रखा कि इंटरनेट से संबंधित है, तो भैया ये तो भैया थोड़ा मुश्किल हो गया क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है। ठीक है, इजी है वैसे सोच को अगर देखो तो, ट्रांसमिट द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ये डिफरेंट कलर की लाइट को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, ट्रांसमिट करता है डिफरेंट कलर की लाइट्स को। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, क्वेश्चन नए हैं सारे के सारे, आप मेरी इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन नए देखोगे डेली के डेली, बस आप डेली 8 बजे आ जाओ। 8 बजे आपको क्या करना है, छोटा सा काम, ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करना है जीके वी दमन सर। जब आप 8 बजे जीके वी दमन सर यूट्यूब पर सर्च करोगे अपना अपना हो जाएगा। ठीक है, दिमाग रखिएगा, वाटर इज नॉट वेपराइज, ठीक है, पानी कब वेपराइज नहीं होगा, जल्दी से बताइए। अरे पाथिक मैं भी तो भाई मजाक में ही बोल रहा हूँ, मैं कौन सा सीरियस हो रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है यार अपने स्टूडेंट कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, आंसर क्या है। ठीक है, बस तुम्हारी तरह 10th क्लास वाला यंग स्टूडेंट नहीं हूँ। ठीक है, आंसर क्या, 100% अगर ह्यूमिडिटी होगी तो यार कहाँ से वेपराइज होगा, जब ऊपर जो है 100% ह्यूमिडिटी है तो जगह ही नहीं मिलेगी वेपराइज होने की। ठीक है, जगह ही नहीं मिलेगी वेपराइज होने की। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा, डायमेंशन क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की क्या डायमेंशन है, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या। अच्छा क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएगा। ठीक है, डायमेंशन क्या है बच्चे, दिमाग को रखिएगा, आंसर है m-1 l3 t-2। देखो यार ये डायमेंशन वैसे तो हम सारी रट नहीं सकते, ठीक है, हमें क्या करना है बच्चे, दिमाग को रखिएगा, हमें क्या करना है, हमें ना फॉर्मूले को समझना है, उसके बाद डायमेंशन आएगी। रात को 10:30 बजे आ जाएगा अनअकैडमी क्लास में, आप सीख लेंगे। नेम द डिसीज ऑफ प्लांट इन विच लीव ब्रांचेस फ्रूट्स ऑल आर अफेक्टेड, जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है। नेम द डिसीज प्लांट इन विच द लीव ब्रांच एंड फ्रूट ऑल आर अफेक्टेड, ठीक है, मतलब ऐसी डिसीज का नाम बताइए जिसमें सभी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लांट के हर एक पार्ट पे, आंसर क्या बच्चे, दिमाग रहेगा, सिट्रस कैंकर इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। हाँ भाई, नेपाली सेट वन जो है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये कहाँ से लॉन्च किया गया, जल्दी से बताइएगा कहाँ से लॉन्च किया गया, आंसर क्या है। नेपाल की पहली सैटेलाइट है ये, किसने लॉन्च करी, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर क्या बच्चे, दिमाग पर रखिएगा, आंसर अमेरिका। ठीक है, नेपाल की सबसे पहली सैटेलाइट है ये आज तक की, ठीक है, दिमाग रखिएगा। ठीक है, और ये अमेरिका ने लॉन्च किया। एक और क्वेश्चन देखिए, देखो इस क्लास में आपको क्वेश्चन क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है, बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखो तो आपको मिलेगी, और मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, लाइव टेस्ट में थोड़ा स्पीड में पढ़ाता हूँ, बिकॉज दैट इज द टेस्ट। यहाँ पे मैं साइंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, हाँ भाई केमिकल चेंज कौन सा नहीं है,
कहने का मतलब है फिजिकल चेंज है, ठीक है, कहने का मतलब है फिजिकल चेंज है। जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा फिजिकल चेंज है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें देखो ये ना स्टेट ऑफ मैटर जब भी चेंज होता है, याद रखिएगा, जहां पे भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक है, दिमाग रखिएगा, जहां पे भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो यार वो फिजिकल चेंज होगा, ठीक है, दिमाग रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोस्पर्मिक सीड, हाँ भाई, छिलका नहीं होता, किसका, चने का, ठीक है, दिमाग रखेगा, चने का। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर भाई अनअकैडमी पे ये प्रोफाइल फॉलो करना कंपलसरी, क्योंकि भैया जब तक आप मुझसे थ्योरी नहीं पढ़ोगे रात को 10:30 बजे तब तक कैसे मजा आएगा, ठीक है, आपको चीज़ें कैसे सीखने को मिलेगी। तो अमनदीप शर्मा सर्च करो, रात को 10:30 बजे क्लास होगी, ठीक है, दिमाग रखेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, नेम द प्लांट हॉर्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द, छोड़ बता दो, ठीक है, आसान है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ए इसका आंसर है, इथाइलिन जो है, ठीक है, दिमाग रखेगा, फलों को पकाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आपसे बोले आम को पकाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो भैया कैल्शियम कार्बाइड को यूज़ करते हैं आम को पकाने के लिए, ठीक है, दिमाग रखिएगा, दिमाग रखें, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, जल्दी से बताएगा, अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, आंसर क्या है जल्दी से बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो यार कोई चीज प्योर होगी ना वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, या तो एक एलिमेंट या तो कंपाउंड, ठीक है, दिमाग रखे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जल्दी से बताएगा, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम कौन सी गैस को यूज करते हैं, जल्दी से बताएगा, रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर्स दोनों में यूज किया जाता है, आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है। देखो यार कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सिर्फ एलिमेंट होगा, भाई H2O एक कंपाउंड है, क्या वो प्योर नहीं है, क्या H2O प्योर नहीं होता, क्या होता है ना, ठीक है, दिमाग रखे, तो दोनों हो सकता है, सिंपल सी बात है। आंसर इसका क्या है भाई, फायर एक्सटिंग्विशर देखते ही कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। मिरर के पीछे का जो सरफेस होता है वो किससे पेंट किया जाता है, आसान क्वेश्चन है, मिरर के पीछे का सरफेस किससे पेंट किया जाता है, सिल्वर से या सिल्वर नाइट्राइड से, जल्दी से कमेंट करेगा, या तो सिल्वर नाइट्राइड, जल्दी से बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, आंसर क्या है दिमाग में रखिएगा, सिल्वर से, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, सिल्वर से पेंट किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करेगा सेशन में, हाँ भाई, ये किसको मेजर करेंगे, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ये किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आपने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन सुने होंगे, ठीक है, करे भी होंगे कईयों ने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। अब बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है बच्चे, दिमाग रखिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ब्लड प्रेशर को, ठीक है, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, बहुत आपकी इन्फॉर्मेशन गेन होगी, ठीक है, सीईटी का पेपर आएगा ना उसमें साइंस अच्छी खासी आएगी। लेंस कौन से ग्लास का बनता है, आसान है क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा, लेंस कौन से ग्लास का बनता है, कमेंट करिएगा, लेंस कौन से ग्लास का बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है बच्चा, आंसर क्या इसका, लेंस कौन से ग्लास का बनता है, याद रखिएगा, फ्रंट ग्लास का, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये नहीं करना है, क्वेश्चन करा हुआ है पहले भी, ठीक है, हाँ भाई, एक जो सोप बबल है उसमें ना बहुत प्यारे कलर दिखाई देते हैं, सोप बबल की अगर मैं बात करूँ ना उसमें कलर बहुत प्यारे दिखाई देते हैं, पूछा जा रहा है कि ये जो इल्यूमिनेट होते हैं, ठीक है, दिमाग रखिएगा, कलर इल्यूमिनेट होते हैं वो किसकी वजह से, तो दिमाग रखिए, इंटरफेरेंस है कलर का, जब भी आंसर आए तो भैया इंटरफेरेंस आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एलिसा टेस्ट इज प्रिस्क्राइब फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, एलिसा टेस्ट किसके लिए दिया गया है, जल्दी से बताइए किसके लिए एलिसा टेस्ट, ठीक है, आंसर क्या है, एड्स के लिए। फिर एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ईईजी इज डन टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ कॉपर टी, ठीक है, आसान, ठीक है, छोड़ेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर, देखो जब भी हम ईईजी की बात कर रहे हैं, ईसीजी होता है ना जो हम किसके लिए करते हैं, हार्ट के लिए, लेकिन जब मैं ईईजी की अगर मैं बात करूँ तो वो किसके लिए होता है हमारे, ठीक है, दिमाग में रखेगा, ब्रेन के लिए। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गाड़ी जब एक ही दम से रुकती है तो एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो क्या है, आगे की तरफ जाता है, ठीक है, टेंसुलिन फॉरवर्ड, ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सी, किसकी वजह से इनर्शिया लगेगा इसमें, ठीक है, दिमाग रखिएगा, इनर्शिया लगेगा, और कौन सा इनर्शिया, रेस्ट की मोशन। देखो याद रखना
अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं ना कि इनर्शिया रेस्ट का है या इनर्शिया मोशन का, याद रखो चलती हुई चीज रुक रही है तो वो इनर्शिया मोशन, चलती हुई चीज रुक रही है तो मोशन, ठीक है, रुकी हुई चीज चल रही है तो रेस्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये चलती हुई चीज रुक रही है ना तो मोशन है इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या करा हुआ है, क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक सिंपल माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज बनेगी, कमेंट करिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज कौन सी बनेगी, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या है दिमाग रखिए, वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, दिमाग रखिए, वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, एक्सपोजर टू विच लाइट में एक्सेलरेट एजिंग, ठीक है, कौन सी लाइट की वजह से बूढ़ापन जल्दी आ सकता है भैया, कौन सी लाइट, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ब्लू लाइट की वजह से। एक और क्वेश्चन देखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वाज प्रोपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा दिया गया इकोसिस्टम का कंसेप्ट, किसके द्वारा दिया गया, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, किसके द्वारा दिया गया, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या है इसका, ठीक है, इकोसिस्टम का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, आंसर क्या है इसका, ठीक है, एजी टेंसली के द्वारा, ठीक है, एजी टेंसली के द्वारा। एक और क्वेश्चन शेयर करेगा सेशन को, साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन द ऑडिबल आर कॉल्ड व्हाट, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, आंसर क्या है बच्चे, दिमाग पर रखिएगा, आंसर इसका क्या है, इंफ्रासोनिक वेव्स इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, इंफ्रासोनिक वेव इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, इंफ्रासोनिक वेव इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, देखिए लीव्स के नीचे जो व्हाइट कलर बन जाता है ना एक तरीके से, वो एक तरीके से डिसीज है लीव के लिए, ठीक है, दिमाग पर रखिए, आपसे पूछा जाए कि जो व्हाइट कलर आ जाता है लीव्स के नीचे वो किस वजह से आता है, कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या है, किस वजह से आता है, कौन सी डिसीज की वजह से, ठीक है, वर्ड से देखो, ठीक है, आंसर क्या दे रखा, अंडर साइड, कहने का मतलब नीचे की तरफ, तो इससे याद रख सकते हो डाउनी, ठीक है, डाउन समथिंग दैट इज अंडर साइड, ठीक है, दिमाग पर, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो और लिख सकते हो उस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर प्योरिटी गोल्ड कितनी है भैया, आंसर आसान 24 कैरेट। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाइट लाइट को जो हम स्प्लिट करते हैं, बच्चे दिमाग पर रखिएगा, व्हाइट लाइट को जो हम स्प्लिट करते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस है, जल्दी से बताइएगा, वो कौन सी प्रोसेस है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है जल्दी से बताएंगे, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताएंगे। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, दिमाग में रहे, डिस्पर्जन इसका आंसर है, ठीक है, डिस्पर्जन इस क्वेश्चन का आंसर है। ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक, सवाल इजी है कि भैया अगर एक ब्लैक बोर्ड ब्लैक कलर का है तो कारण क्या है उसका, जल्दी से बताइए, किस कारण की वजह से वो ब्लैक बोर्ड ब्लैक कलर का हुआ, जल्दी से बताएगा, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताएगा, ब्लैक बोर्ड ब्लैक कलर का किस कारण की वजह से होगा, ठीक है, आंसर क्या है, ठीक है प्यारे, आंसर क्या यार, कोई ब्लैक बोर्ड ब्लैक होगा क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, सब कुछ अब्जॉर्व कर लेगा इस वजह से, ठीक है, दिमाग रहेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सब कुछ अब्जॉर्व करेगा। भाई शेयर करना सारे के सारे, और 8 बजे क्लास होती है जीके विद अमन सर, ठीक है, दिमाग रहेगा, 8 बजे क्लास होती है जीके विद अमन सर। एक क्वेश्चन का बताएगा, काओ मिल्क की जगह मदर्स मिल्क प्रेफर किया जाता है, इसका कारण क्या है, देखो यार अच्छी बात होगी तभी प्रेफर किया जाता है क्योंकि फैट भी लेस है लिपिड भी लेस है इस वजह से प्रेफर किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट टू रिजर्व गव, ठीक है, एच आई वी पॉजिटिव कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, केरला सरकार ने सीट रिजर्व करी है, ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा भाई, आइडल गैस कौन सा जो लो है उसे ओबे करती है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, आंसर क्या है कौन सा, ठीक है, आंसर क्या है इसका, दिमाग पर रखिए, गैस लो को ओबे करती है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन बायोलॉजी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसमें से कौन सा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, कमेंट करेगा, बायोलॉजी में कौन सा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, इसमें से कौन सा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, एटीपी है, आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताइएगा। मिनिमम डिस्टेंस इको इको प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, जल्दी से बताइए, कितना चाहिए, 17 चाहिए, ठीक है, दिमाग करिए, 17 इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग रखिएगा। क्वेश्चन ना आप प्रैक्टिस करो, आपको 100 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, अभी इसी के बाद 9:30 बजे
किसकी क्लास है? जीके की लाइव टेस्ट की 9:30 बजे क्लास है। 100 क्वेश्चन रेफर कोड यूज करेगा। 30 अगस्त के कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। वुमेन की आवाज श्रिल होती है हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से। किसकी वजह से? ठीक है, उच्च आवृत्ति की वजह से, हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से श्रिल होती है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में, व्हाट इज डेसिबल? डेसिबल क्या है? कमेंट करेगा व्हाट इज डेसिबल, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, डेसिबल क्या है जल्दी से बताएगा? स्केल ऑफ साउंड लेवल। ठीक है, दिमाग करेगा स्केल ऑफ साउंड लेवल। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सा है इसमें से? जल्दी से बताएगा कौन सा ड्रग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है इनमें से? जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा ड्रग इन सभी में से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ठीक है, आंसर क्या है बच्चे, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। याद रखिएगा एंटी डिप्रेसेंट की अगर मैं बात करूं, विप्रोपिन इसका आंसर है। ठीक है, विप्रोपिन इसका आंसर है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है विप्रोपिन। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ भाई, कौन सा इसमें से बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ठीक है, आंसर क्या है, कौन सा इसमें से बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है पूरी प्रोसेस में? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इसका। एजोटोबैक्टर बोल रहे हैं ज्यादातर बच्चे, आंसर क्या है? एजोटोबैक्टर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हु कोऑर्डिनेट द डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड? जल्दी से बताएगा अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, आंसर क्या है, अल्ट्रासाउंड का कंसेप्ट किसने दिया? आंसर क्या है इसका, जल्दी से बताएगा अल्ट्रासाउंड का कंसेप्ट किसने दिया? आंसर क्या है? ठीक है, लैंड डोनर ने दिया था। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ भाई, ऑक्सीजन लेवल ऑप्टिमम कितना होगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए? पानी में कितना ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, कितने प्रतिशत? जल्दी से बताएगा मिलीग्राम में। ठीक है, आंसर क्या है इसका, जल्दी से बताएगा कितना होना चाहिए? ठीक है, 4 से 6। ठीक है, दिमाग करके, 4 से 6 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन आंसर क्या, कौन सा इसमें से हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है? ठीक है, दिमाग रखिएगा ऑक्सीजन का साथ है। ठीक है, दिमाग रखिएगा ऑक्सीजन के साथ है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है, क्या साइटोकिनिन आंसर है इसका? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या है इसका? ठीक है, दिमाग रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, साइटोकिनिन और ऑक्सीजन जयवीरू की जोड़ी है, सिंपल सी बात है। अगर ऑक्सीन है तो साइटोकिनिन, साइटोकिनिन है तो ऑक्सीन है, सिंपल सी बात। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन सर, मेल गैमेट क्या होता है? बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दिमाग रखिएगा स्पर्म इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, मिक्सिंग ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड और बेस विद द वाटर इज नोन एज? जल्दी से बताइएगा क्या कहते हैं। देखो, ये रिएक्शन कैसी होती है, जब मैं कंसेंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालता हूँ तो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हीट प्रोड्यूस होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ ना, जब हीट ही प्रोड्यूस होती है तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन आंसर क्या। हाँ भाई, अल्ट्रासोनिक वेव किससे डिटेक्ट होती है? कुंदन ट्यूब से। किससे? कुंदन ट्यूब से डिटेक्ट होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, अगर आपको मैं हाइड्रोजन को और हीलियम को कंपेयर करने के लिए कहूँ और बोलूँ कि डिफ्यूजन रेट कितना हाइड्रोजन का इन कंपैरिजन टू हीलियम, तो आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएगा आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चे, दिमाग पर रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर 1.4 टाइम द हीलियम। ठीक है, दिमाग रखिएगा, डिफ्यूजन 1.4 टाइम द हीलियम होता है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे, जल्दी से बताएगा। हाँ भाई, कौन सी ब्लड वेसल है जो पानी को दोबारा किस में लेके जाती है, क्या बोलते हैं, बॉडी से हार्ट में लेके जाती है? कमेंट करिएगा कौन सी, कमेंट करिएगा। ठीक है जी, आसान है। ठीक है, आंसर वेन है, नस जो होती है, आर्टरी जो है हार्ट से बॉडी में लेके जाती है, और बॉडी से हार्ट की बात करें तो वेन। ठीक है, दिमाग रखे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताइएगा। यह भी कल, आज हमने नेशनल पार्क पढ़ा पार्ट वन। ठीक है, कल भी सुबह 6 बजे होगा नेशनल पार्ट टू, नेशनल पार्क का जो है ना पार्ट टू मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे स्टेट हम कल कवर करने वाले हैं। कल सुबह 6 बजे सर्च करिएगा कंप्लीट स्टैटिक जीके बाय अमन सर, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, काम आएगी। ठीक है, दिमाग रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन? स्किप कर रहा हूँ अभी इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 2019 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? आंसर क्या, जल्दी से बताइएगा। 2019 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? आंसर क्या बच्चे, दिमाग रखिएगा, लिथियम आयन बैटरी के लिए। ठीक है, दिमाग रखिएगा, लिथियम आयन बैटरी के लिए मिला था। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई,
कोनियल इंसेक्ट जो है ये कौन से वीड्स को इरेडिकेट करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, दिमाग रखे आंसर क्या है, ठीक है, ऑप्थनिया। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, आसान क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, जल्दी से बताइएगा, अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, शेयर करो यार सेशन को सारे के सारे, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहे हैं अपने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स। एक और क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर ये नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देगा, देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना उसको टेम्परेचर के साथ रिलेट किया है, ठीक है, और मैं बता चुका हूँ डेंसिटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा साउंड, ठीक है, दिमाग को रखिए उतना ज्यादा साउंड, अब टेम्परेचर के साथ रिलेट करके बता दो आंसर क्या होगा, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, ठीक है, याद रखिएगा जितना टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, चलो डिक्रीज से समझा देता हूँ, तो उतना ही वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, दिमाग रखिए वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि डेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर जितना बढ़ाऊंगा उतनी ही डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, उतनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, अगर एक डिक्रीज है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा क्योंकि बीच में कारण आता है डेंसिटी का, ठीक है, दिमाग रखिए डेंसिटी का कारण आता है बीच में। विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, तो आंसर रशिया है, रशिया ने डेवलप किया है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, लिक्विड इनटू वेपर एट, ठीक है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि भैया लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, तो भैया उसे हम क्या कहते हैं, आसान है क्वेश्चन, इवेपोरेशन कहा जाता है, ठीक है, 100 पे आ जाए तो भैया वो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले होता है तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, जैसे धूप में कपड़े सूख जाते हैं, दैट इज इवेपोरेशन, ठीक है। इफ द साउंड ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी रिमेन अनचेंज, अगर साउंड एयर से वाटर में जाती है तो कौन सी क्वांटिटी जो है चेंज नहीं होती, कमेंट करिएगा। याद रखिए फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक है, ये क्वेश्चन, हाँ, बहुत सारी जगह पे स्ट्रीट लैंप पे येलो कलर की होती है, आपसे पूछा जा रहा है किसकी वजह से, क्या लगा होता है उसमें जो येलो कलर की होती है, आंसर क्या है बच्चे, दिमाग रखिएगा सोडियम, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, ठीक है, ये सीधा ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है, और ये कह रहा है कि भैया किसके, फोर्स के, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, दिमाग रखिएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन कर, ठीक है, दिमाग रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा, विच प्लांट हॉर्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेविंग, ठीक है, सेविंग द क्रॉप फ्रॉम द फॉलिंग, कौन सा हॉर्मोन है जो कि, ठीक है, जो फसल होती है उसको खत्म होने से बचा दे, जल्दी से बताएगा, ठीक है, आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है ऑक्सिन, ऑक्सिन है जो बचा लेता है, ठीक है। एक और देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, करंट अफेयर की धमाका क्लास जरूर देखिएगा। देखो अगर मैं रेफ्रिजरेटर का जो डोर है, फ्रिज का जो डोर है उसे ओपन रख देता हूँ, ठीक है, तो दिमाग पर रखिएगा, पूछा जा रहा है कि क्या चीज जो होगी, रूम ठंडा हो जाएगा गर्म हो जाएगा, कर रख के देख लेना, वैसे आंसर इसका क्या है, हीट ही है, ठीक है, गर्म हो जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, कमेंट करिएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, शेयर करिएगा सेशन को सारे, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, सारे क्वेश्चन नए हैं आप सभी के लिए, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किसके द्वारा, ठीक है, जॉन स्काल्क, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक है, इसको ओरल पोलियो वैक्सीन को सॉल्क वैक्सीन भी कहा जाता है, इसी वजह से क्योंकि इनके नाम पे रखा गया है, ठीक है, सॉल्क वैक्सीन भी कहा जाता है, ठीक है, दिमाग रखिए। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू सॉल्यूशन, इसमें से कौन सा ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, जल्दी से बताइए, ठीक है यार, आसान है, ठीक है, आंसर क्या है इसका, स्मोक इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, दिमाग रखिएगा, स्मोक इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, एयर इज व्हाट, एयर इज अ मिक्सचर, ठीक है, आसान है वैसे, फिर भी आप भी बता दो आंसर क्या है इसका, ठीक है, आंसर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर, बता दिया ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ भाई, हीट प्रोड्यूस होती है एक्सोथर्मिक में, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ बायोगैस, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा मेजर कॉन्स्टेंट है बायोगैस का, आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, कौन सा मेजर कॉन्स्टेंट है बायोगैस का, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या है इसका दिमाग पर रखिएगा, मिथेन इज द मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ बायोगैस, ठीक है मिथेन इज द मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ बायोगैस। एक और क्वेश्चन देखिएगा, द एस्केप वेलोसिटी, अर्थ की एक्सप्रेस वेलोसिटी क्या है, जल्दी से बताइएगा। अब ये दिक्कत की बात है, ये 11.3245 दे रहा है, ठीक है खेलने के लिए आपके साथ, जल्दी से बताइए खेल के दिखा दो इसे, ठीक है आंसर क्या बच्चे दिमाग रखिए, आंसर है 2 वाला, ठीक है दिमाग रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ भाई एन अलॉय यूज इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट फॉर द इलेक्ट्रिक हीटिंग, आसान है कौन सा, अब इसमें से निक्रोम तो भैया एलिमेंट की तरह यूज होता है, ठीक है दिमाग रखिए, निक्रोम जो होता है यूज होता है बहुत सी जगह पे, पता ही है आपको, ठीक है निक्रोम यूज होता है, ठीक है दिमाग रखिए बहुत सी जगह पे, आपको बस मेरी क्लासेस डेली देखनी है अगर आपको, तो जीके विद अमन सर ये वर्ड सर्च करें यूट्यूब पे, कहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करें जीके विद अमन सर, आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये नहीं करना, कर दिए बता दिया कि स्किप कर रहे हैं हम ना, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो उल्लू होता है वो अपना जो टारगेट है वो देख सकता है अंधेरे में भी, पूछा गया किस वजह से, किस वजह से देख सकते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या है, देखो यार उसके अंदर ना क्या होती है, रोड होती है जो डायरेक्टेड होती है जो बाय न्यूक्लियर साइड देती है, ठीक है दिमाग रखिए इस वजह से, ठीक है देख सकते हैं, ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है चलिए। अच्छा एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये है बी, इसके बाद एक और देखिए, फॉर पर्सन हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट इज, जल्दी से बताइएगा हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ठीक है जिसमें दूर का, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है बच्चे जल्दी से बताइएगा, ठीक है अभी 9:30 बजे भी क्लास होगी, जीके के 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपसे पूछा गया हाइपरमेट्रोपिया तो आंसर क्या है इसका, लेस देन 25 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, देखो जब अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो उसकी स्पीड कैसे होती है चेंज, जल्दी से बताइएगा, ठीक है पास आने पर स्पीड ज़्यादा हो जाती है या दूर जाने पर स्पीड ज़्यादा होती है, कुछ कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन आया है, 75th क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, आंसर क्या है बच्चे दिमाग पर रखिएगा, आंसर क्या है, गोज ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, अर्थ जब रिवोल्व करता है सन के अराउंड इट एलिप्टिकल बनाने, इसकी जो स्पीड है कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, ठीक है दिमाग पर रखिए। एक और क्वेश्चन देखिएगा, साउंड वेव से क्या एसोसिएटेड नहीं है, कैंडला इज एसोसिएटेड विद लाइट वेव, ठीक है कैंडला इज एसोसिएटेड विद लाइट वेव, ठीक है तो आंसर इसका क्या है, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, हाँ भाई सर्वाइकल वर्टिकल वर्टिब्रेट जो होता है कौन सा नंबर होता है, 7 होता है, 10:30 बजे वाली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है दिमाग रखिएगा, 10:30 बजे वाली क्लास में आपके लिए थ्योरी पढ़ाता हूँ, ठीक है दिमाग को रखिएगा, फ्री क्लासेस हैं आप सभी देखें, बस मेरा प्रोफाइल सर्च करना अमनदीप शर्मा, जिससे आपको ये मेरी क्लासेस मिल जाएंगी 10:30 बजे वाली, ठीक है देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जल्दी से बताएगा, हाँ भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसका कंसेप्ट देता है, कमेंट करिएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से किसका कंसेप्ट मिलता है, कमेंट करिएगा आंसर क्या है। चलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं तो ये इनर्शिया का कंसेप्ट देता है, किसका, इनर्शिया जड़त्व का कंसेप्ट देता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, डोरमेंसी मतलब एक तरीके से सुस्ती होती है ना, कि मतलब प्लांट की हाइट नहीं निकलती, उसे हम कहते हैं डोरमेंसी, ठीक है अब सवाल पूछा जा रहा है मतलब विकसित नहीं होता प्लांट, वो खत्म करने के लिए कौन सा हार्मोन है जल्दी से बताइएगा, आंसर क्या है इसका, आंसर क्या दिमाग पर रखिएगा, आंसर क्या है, जिब्रेलिन इसका आंसर है, जिब्रेलिन जो है डोरमेंसी को खत्म करता है, जिब्रेलिन क्या है डोरमेंसी को खत्म करता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है आंसर क्या है, द डिवाइस विच कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं, आंसर क्या है इसका, ठीक है दिमाग को रखिएगा, आंसर क्या इसका, माइक्रोफोन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आसान है यार ये ना, सीधा बोल रहा है किसके प्रोपोर्शनल है, या तो देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, ठीक है फॉर अ गिवन फोर्स ये
क्या किसके प्रोपोर्शनल हो गए, एम नीचे चला जाएगा तो भैया आंसर आ गया, ठीक है, मास के प्रोपोर्शनल। एक और क्वेश्चन देखिए, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट क्या है, जल्दी से बताइएगा, ठीक, कल का पीडीएफ डाउनलोड कर लो यार, ठीक है, थोड़ा ना तबीयत सी खराब चल रही है कुछ दिनों से, ठीक है, बस क्लासेस हो रही हैं जहाँ जहाँ पे हो रही है ले लो, ठीक है, दो दिन लगातार ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, 10:30 बजे क्लास आज भी होगी, बस ये है थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, जैसे चल रहा है क्लासेस ले लो लेकिन स्किप मत करना, ठीक है, जिससे आपका मोमेंटम खराब नहीं होगा, ठीक है। एसआई यूनिट फ्रिक्वेंसी क्या है, अभी पूरी बॉडी पेन कर रही है फिर भी क्लास ले रहा हूँ मैं आपकी, ठीक, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, मेरा बोर्ड पे इधर तक हाथ नहीं पहुँच पा रहा, ईमानदारी से बताएं, ठीक। अ वाटर टैंक अपीयर शैलोर, जो पानी का जो टैंक होता है ना वो थोड़ा क्या बोलते हैं कम गहरा दिखाई देता है, कारण क्या है इसका, रिफ्लेक्शन इसका कारण है या रिफ्रैक्शन इसका कारण है, आंसर क्या है इसका, रिफ्रैक्शन इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग रखे। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ भाई फ्रियोन जो है आंसर क्या है, ठीक है, फ्रियोन क्या है जल्दी से कमेंट करिएगा, आंसर क्या है, ठीक है, फ्रियोन क्या है, डाई फ्लोरो क्लोरो दे रखा है एक ही जगह, तो बी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या है, मायोपिया क्या होता है यार, मायोपिया इज नियर साइटेडनेस और व्हाट, जल्दी से बताइएगा, मायोपिया इज नियर साइटेडनेस और व्हाट, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या बच्चे दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, आंसर क्या है इसका, नियर साइटेडनेस, ठीक है, दिमाग रखिएगा, नियर साइटेडनेस इसका आंसर है, ठीक है, नियर साइटेडनेस इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन गोज टू, ठीक है, किसको, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, पेनिसिलिन गोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, जीके में अगर आप मुझसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं ना, बस सर्च कर लो जीके विद अमन सर YouTube पे, 8 बजे और 9:30 बजे दो क्लासेस, ठीक है, और स्टैटिक जीके सुबह 6 बजे वाले, ठीक है, दिमाग रहेगा, ठीक है, ठीक है, आंसर क्या है भाई, मुझे क्यों कुछ, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, एक्सेलरेशन इसका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज फॉर ग्रीन मैन्योर इन इंडिया, जल्दी से बताइए, कौन से प्लांट को ग्रीन मैन्योर के लिए यूज किया जाता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, ग्रीन मैन्योर के लिए, ठीक है, आंसर सुन हैप इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या है, 89th क्वेश्चन का आंसर बताएं, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज नॉट टू गिव अ सूटी, 9:30 बजे अभी क्लास होगी, 100 क्वेश्चन जीके के जरूर देखेगा, ठीक है, स्पीड में ही कराऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ भाई विल नॉट गिव द सूटी फ्लेम, इसमें से कौन सा सूटी फ्लेम नहीं देगा, कमेंट करेगा कौन सा इसमें सूटी फ्लेम नहीं देगा, ठीक है, आंसर क्या है इसका, दिमाग पर रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, हेक्सेन इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, हेक्सेन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, ठीक है, द मेंबर ऑफ, देखो यार इसमें वर्ड लिखा है, ठीक है, फाइको, ग्रीन होता तो क्लोरो, ठीक है, रेड होता तो रोडो, अब भैया ग्रीन और रेड तो गया, ठीक है, अब ब्राउन और येलो में से क्या आएगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ब्राउन और येलो में से क्या आएगा, आंसर ब्राउन है, ठीक है, येलो होता ही नहीं, ठीक है, बस तीन ही होते हैं, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ग्रीन रेड और ब्राउन, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक है, ग्रीन रेड और ब्राउन, अगर बोले कि भैया सर ग्रीन ब्लू एल्गे भी तो होता, तो भैया आता तो ग्रीन है ना आगे, ठीक है, जो शेविंग ब्रंच होता है ना उसका जो हेयर्स होते हैं ना वो क्लिंच हो जाते हैं, ठीक है, दिमाग रखिएगा, वो क्लिंच हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं पानी के अंदर डालते हैं, क्यों, किस वजह से, आंसर क्या बच्चा दिमाग रखिएगा, सरफेस टेंशन की वजह से, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से क्लिंच हो जाते हैं, ठीक है, दिमाग रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, व्हाट डस एयरबैग यूज फॉर सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर कंटेन, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है, हाँ भाई व्हाट डस एयरबैग यूज फॉर सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर कंटेन, आंसर क्या है, किस लिए यूज होता है, आंसर क्या है, 92 क्वेश्चन का आंसर क्या है, दिमाग पर रखिए, सोडियम एजाइड इसका आंसर है,
सोडियम एजाइड इसका आंसर है। एक क्वेश्चन देखिए, इन विच कॉन्टिनेंट साइंटिस्ट हैव फाउंड द रेयर आइसोटोप ऑफ आयरन, कौन से कॉन्टिनेंट में साइंटिस्ट को रेयर आइसोटोप पाया गया है, ठीक है, आयरन का जल्दी से बताइएगा, आसान है, ठीक है, आंसर क्या इसका जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या इसका अंटार्कटिका। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सुपरसोनिक एयरप्लेन क्रिएट अ शॉक वेव, आंसर क्या है, ठीक है, सोनिक बूम कहते हैं इसे, इसे हम क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ठीक है भाई, जो भी बच्चा देख रहा है इस क्लास को याद रखिएगा, मेरी क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है, तो जीके विद अमन सर सर्च करो यूट्यूब पे, 8 बजे क्लास आपको लाइव मिल जाएगी, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाँ भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दिमाग रखिएगा, और 30 अगस्त के कोर्स ज्वाइन कर लो यार, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक है, आंसर क्या है इसका, मीथेन इसका आंसर है, ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, ठीक है, ओहो हो गया, ठीक है, सोल्ट वाटर के साथ मिला के न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है पोटेशियम क्लोराइड, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई इज मैक्सिमम इन, कौन से कलर को मैक्सिमम होती है, आसान है क्वेश्चन, आंसर क्या है, कौन से कलर को मैक्सिमम होती है, भाई सेशन को लाइक भी करिएगा धीरे धीरे, आंसर क्या है इसका, ग्रीन कलर। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये क्वेश्चन नहीं करना अभी, क्योंकि इसका कोई कंसेप्ट क्लियरिटी आपको अभी नहीं है, थ्योरी नहीं पढ़ी आपने इसकी, केमिकल सिल्क फाइबर आर प्रेडोमिनेटली, बताइएगा केमिकल सिल्क फाइबर प्रेडोमिनेटली होते क्या है, जल्दी से बताइएगा क्या होते हैं प्रेडोमिनेटली, ये किस कैटेगरी में आते हैं, दिमाग पर रखिएगा किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगर एक मोशन जो है, किसी बॉडी का मोशन जो है वो एक ही प्लेन पे कन्फाइंड है, ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, प्लेन एक ही है तो यार फिर वो क्या हो गया, चीज प्लेन ही होगी, ठीक है, दिमाग रखिएगा, तो प्लेन मोशन इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, प्लेन मोशन इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। देखो ये सब क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ना, पहला तो आपको इसको 10:30 बजे थ्योरी पढ़नी चाहिए, ठीक है, जीके विद अमन सर सर्च करते हो यूट्यूब पे, ठीक है, लेकिन थ्योरी भी पढ़ो, काम आएगी, ठीक है, 8 बजे क्लास डेली होती है। अगर बात करूँ पेड कोर्सेज की, तो यार ये भी स्टार्ट हो चुके हैं 30 अगस्त से, ठीक है, दिमाग रखिए 30 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 30 अगस्त आने वाला, लाइव कर दिए हैं मैंने, SSC में भी, डिफेंस में भी होने वाला, तो आप SSC और डिफेंस दोनों को गोल टारगेट कर सकते हो, जो भी बच्चा है रेलवे वाला बच्चा भी, CET का भी टारगेट कर सकते हो, मैं बेसिकली ये CET के लिए और बाकी सभी एग्जाम के लिए और नवंबर के सभी एग्जाम्स के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है, आप गोल को सिलेक्ट करें, ठीक है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, मंथ जरूर 12 से 24, कोई भी भैया 12 से कम तो करना मत, कोशिश करना 24 कर दो, ठीक है, दिमाग रखिएगा, जिससे आपको ही फायदा होगा। रेफर कोड मस्ट है, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करना है आपको, इससे आपका 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट होते ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करें, ठीक है। कोर्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट होंगे, CET आने वाला है तो जनवरी में आएगा CET, ठीक है, अब जनवरी में CET आएगा, ठीक है, दिमाग रखिएगा, तो आप जनवरी में तैयारी स्टार्ट करोगे नुकसान है, अभी अगस्त में स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपका CET में अच्छा रैंक आएगा, अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट CET को टारगेट कर रहा है, ठीक है, सभी GK, सभी रीजनिंग, सभी मैथ्स के टीचर इसमें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो आप इसको लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके ज्वाइन करें, ठीक है, कौन सा रेफर कोड क्या है, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके करें। अभी मेरी 9:30 बजे भी क्लास होने वाली है, ठीक है, दिमाग रखिए 9:30 बजे 100 क्वेश्चन GK के होने वाले हैं, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा सभी के सभी, ठीक है, उस क्लास को जरूर देखिएगा सभी सभी, क्योंकि आपको करना क्या है, GK विद अमन सर्च करना है, और अनअकैडमी के लिए प्रोफाइल फॉलो कर लेना अमनदीप शर्मा, ठीक है, सर्च करना है अमनदीप शर्मा, अनअकैडमी पे ज्वाइन कर लो, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखेगा ये अमनदीप शर्मा प्रोफाइल फॉलो करें, 10:30 बजे क्लास होगी, उसमें भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं 1/2 घंटे बाद, ठीक, कहाँ पे, इसी यूट्यूब क्लास में, GK विद अमन सर यूट्यूब पे सर्च करो, जिससे कि अपन लोग जुड़ सके 9:30 बजे वाली क्लास में, ठीक है, दिमाग रखें 9:30 बजे वाली क्लास में जुड़ सके, 100 क्वेश्चन GK के अभी हमें करने हैं, ठीक है, दिमाग रखेगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते रहिए इसी समय 8 बजे, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक है, स्पीड में होती है वो क्लास, ठीक है, पता ही है आपको, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, स्पीड तो खैर अभी आजकल थोड़ी कम हो रही है, किस वजह से, हेल्थ इशू की वजह से, बाकी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड बढ़ा देंगे, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है।